शांति, आज 13/2/2024, 13 फरवरी 2024, मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, विदेही बन, शिव बाबा को याद करो। सुनिराकारी परमात्मा शिव बाबा को याद करो। सौ धर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। मीठे बच्चे, विदेही बन, अशरीरी बन, निराकारी बन, उस निराकारी परमात्मा शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा का स्वधर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो अपने स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी भी रहेगी और तंदुरुस्ती रहेगी, आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। प्रश्न है आज की मुरली से, ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? ये सृष्टि एक ड्रामा है, इसमें हम सब पार्ट बजा रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या फिक्स है जिसके कारण तुम बच्चे सदा अचल अखंड रहते हो? उत्तर, अब तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि जो बना रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी मिसाइलें, बॉम्ब्स आदि जो बना रहे हैं, ये छूटने हैं जरूर। देखने के लिए तो बना नहीं रहे, आज नहीं कल तो इनका यूज़ करेंगे, तो ये छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी, जब इस कलयुग की दुनिया का विनाश होगा तब तो नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नोंद है, ये ड्रामा में फिक्स है। मरना तो सबको है, तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो, इसमें हिलने की कोई बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। तुम इस ड्रामा को डिटैच होकर देखते हो, साक्षी होकर देखते हो, तो इसमें हिलने की कोई बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई झगमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, व्यर्थ चिंतन में, पर मत में, पर दर्शन में, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना। दूसरी पॉइंट है, हम आत्मा आपस में सब भाई भाई हैं, अब हमको वापस अपने घर जाना है, ये अभ्यास पक्का करना है। हम आत्माओं का देश, शांति धाम, परम धाम, हमको बाबा बहुत आसानी से ले जाएगा, तो हम अपने की आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे, तो बाबा का ये अभ्यास पक्का करना है। अब बार बार अपने घर जाने का अभ्यास करना, मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर परम धाम में स्थित हूँ। विदेही बन स्वधर्म में स्थित होकर शिव बाबा को याद करना है। विदेही बन, अपने को निराकारी समझ, अपने आत्मिक धर्म में स्थित होकर शिव बाबा को याद करना है। वरदान है आज की मुरली से, सौ स्वरूप और बाबा के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने सौ स्वरूप को, मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप को, शिव बाबा के सत्य परिचय को सही रीति से जान लेते हैं, उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है, उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। जब अपने स्वरूप को, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, और परमात्मा के सत्य परिचय को कि परमात्मा शिव बाबा निराकारी हैं, परम धाम के निवासी हैं, तो जब उनके स्वरूप को जान लेते हैं तो सत्यता की शक्ति आ जाती है। स्लोगन है आज की मुरली से, इस विश्व को सकाश देने की सेवा करो, समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। बहुत सुंदर स्लोगन है, इस विश्व को सकाश देने की सेवा करो, इस विश्व को सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की किरणों के वाइब्रेशन से भरपूर करो। कैसे सकाश देंगे? सम्मान में रह के, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमारे ऑरा जो बनेगा, हमारी आत्मा से जो शक्ति निकलेगी, इस विश्व की स्वतः सेवा करेगी, और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होती जाएंगी। एक मिनट के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे और आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर, परमात्मा शिव बाबा की संतान, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
प्रकृति की कुटिया में विराजमान चैतन्य हीरा, स्वर्ण सी चमकती मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा पुंज हूँ, ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। आवाहन करती हूँ मैं इस परमात्मा शिव का, हे मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरे पास आओ मेरे बाबा। परमात्मा शिव परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं, बाबा से ज्ञान गुणों की किरणें मुझे आत्मा में पड़ते जा रही हैं, समाप्त जा रही हैं। जैसे मेरी एक एक कमजोरी धुलती जा रही है, मिटती जा रही है, मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है, मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। ज्ञान गुणों की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से आता ये निरंतर ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन के, मेरे आत्मा के अंधकार को दूर करता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ।